हेलो भाई, मेरा नाम है मयंक देशवाल। आज हम आ रखे हैं भाई वंडर राइड इंडिया के शोरूम के अंदर S2 का रिव्यू करने के लिए। तो भाई इसके अंदर दो स्कूटर आते हैं बैटरी के अंदर, जिसके अंदर आपका T1 आता है। एक तो ये आपका T1 मॉडल है और दूसरा है आपका S2 मॉडल। तो उसका ही आज हम आपके सामने पूरा फुल वॉक अराउंड रिव्यू लेके आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस स्कूटी के भाई की के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको इसके अंदर भाई दो की मिल जाती है, दोनों के दोनों फिजिकल की हैं। और तो भाई इसके अंदर आपको रिमोट का भी ऑप्शन मिल जाता है, और ये रिमोट जो है भाई वो आपका एंटी थ्रिप के साथ इसके अंदर आपका आता है। इसके अंदर लॉक है, अनलॉक का आपको ऑप्शन मिल जाता है, एंटी थ्रिप का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी आपको इसकी आवाज़ बंद करनी हो, जैसे इस तरीके से आपका ये अनलॉक करता है, तो इस तरीके से आप भाई अपना स्कूटर वगैरह अपना ढूंढ सकते हो, या फिर अपने स्कूटर को आवाज़ करनी है वो करें, और उसको आप क्लिक कर दोगे तो एंटी थ्रिप आपका जो मोड वो ऑन हो जाता है। फ्रंट से सबसे पहले अगर हम इसके स्कूटर की बात करेंगे तो फ्रंट लुक कुछ इस टाइप से आपका आएगा। यहाँ पे आपका वंडर राइड का यहाँ पे लोगो लगा रखा है, साइड में आपका सुपर इको का लोगो लगा रखा है। इसके अंदर दो मोड आते हैं, एक आता है आपका इको मोड, एक आता है आपका पावर मोड। ठीक है, इको मोड के अंदर ही आपको लगभग 23 से 24 किलोमीटर की आवर में चल किलोमीटर प्रति आवर चलती है, और इसके आपके पावर मोड के अंदर ये आपको 50 to 60 की स्पीड आपको दे देती है। बाकी फ्रंट के अंदर आपको इस LED लाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, साइड में आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, वो भी आपके LED के अंदर हैं। इसके अंदर आपको कलर ऑप्शन बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। अभी आप ये देख रहे हैं, ये है इसका ब्लैक कलर, यहाँ पे इसका व्हाइट कलर खड़ा हुआ है, देन ब्लू में भी आता है, देन साइड में वहाँ पे आप देखें तो आपको ग्रेश में भी आपका कलर आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट जो आपको सब मडगार्ड देख रहे हैं, ये आपको पूरा का पूरा फाइबर के अंदर है। यहाँ पे आपको क्रोम का एक फिनिशिंग दे रखी है। फ्रंट टायर में आपको डिस्क का ऑप्शन मिल जाएगा। टायर साइज़ की अगर आप बात करते हो तो इसके अंदर आप 100x90 12 इंच का आपको इसका टायर आता है, जो कि आपका अलॉय व्हील्स के साथ है, जिसके अंदर आपके मैट ब्लैक फिनिश के अंदर अलॉय व्हील्स दे रखे हैं। फ्रंट में जिसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक है, साइड में यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक आपको शॉकर देखने को मिल जाए। यह है इस स्कूटर के भाई साइड प्रोफाइलिंग, और साइड में यहाँ पे भी आपका ये ब्लैक कलर के अंदर स्कूटर खड़ा हुआ है, ऊपर में डिस्प्ले में जैसे यहाँ पे आपका लग रखा है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो भाई ये इसकी साइड प्रोफाइलिंग है। देखने में स्कूटर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी इसके अंदर एसरीज आपकी जो है लगी हुई हैं, जिसमें आपके प्रोटेक्शन जो है पूरी लगी हुई हैं, फ्रंट में भी साइड में भी। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका आपको आपका लेग सपोर्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। साइड में यहाँ पे देखोगे तो भाई यहाँ पे आपका बूट ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लोगो लगा रखा है वंडर इंडिया का, वंडर राइड का। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको साइड का फुटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। पीछे में आपको इसके अंदर भाई पिलियन के लिए ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बैक सपोर्ट भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन बैक सपोर्ट ये भाई मेरे हिसाब से तो भाई चुभेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी कुशनिंग का कोई SH कोई आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा नहीं। पीछे के अंदर आपको टेल लाइट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि LED के अंदर हैं। ठीक है, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स हैं, देन यहाँ पे आपको लगेगी भाई पीछे की नंबर प्लेट। उसके साइड में आपके रिफ्लेक्टर्स दे रखे हैं, यहाँ पे भी आपको प्रोटेक्शन के लिए इस तरीके से आप देख सकते हैं एसेसरीज लगी हुई है। बाकी फ्रंट का जो लुक है वो कुछ इस टाइप से आपका देखने में आएगा। सबसे पहले मैं इसके बूट को ओपन करके दिखाता हूँ आपको, तो इस तरीके से आपका बूट जो है वो इजीली ओपन हो जाएगा। ठीक है, बाकी बूट के अंदर स्पेस जो है वो आपको कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है, इतना आपको बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। बाकी फर्स्ट एड किट वगैरह कुछ एक्सेसरीज पार्ट जो है आपके इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका बूट जो है वो ईजिली क्लोज होता है। यहाँ पर आपको हुक मिल जाएगा, यहाँ पर कुछ भी आप अपना कैरी वगैरह कर सकते हो। देन आपकी की जो है वो यहाँ पर लगेगी ईजिली इस तरीके से। तो अभी हम इसकी की को ऑन कर लेते हैं इस तरीके से, जो है इसकी की वगैरह ऑन हो जाता है। ये है इसका भाई डिजिटली मीटर जो इसके अंदर आता है, यहाँ पे आपका रेडी लिखा हुआ आ गया, मतलब स्कूटर आपका स्टार्ट हो गया है। अभी पी है मतलब पार्किंग मोड पे लगा हुआ है। यहाँ पे आपको बैटरी का इंडिकेशन दिखाएगा, देन आप किलोमीटर्स वगैरह यहाँ पे शो करेगा। इसका दो मोड है, अभी सेकंड मोड पे लगा हुआ है। फर्स्ट मोड पे करने के लिए ये आपको रेड कलर का बटन दे रखा है। इस तरीके से आपका स्कूटर जो है रेडी हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट मोड पे लग गया है। फर्स्ट मोड पे जैसे हम इसको चलाते हैं तो इसकी मैं आपको टॉप स्पीड दिखा देता हूँ, तो 27 की स्पीड ये दिखा रहा है। यहाँ पर आप देखोगे चल रहा है ये, और चलते चलते अगर आप इसके सेकंड मोड को भी लगाओगे तो इस तरीके से ये देखो, ये आपको 53 की स्पीड में आपको टॉप स्पीड में चलेगा इस तरीके से। बाकी यहाँ पर आपको लाइट जो है वो आप इस तरीके से ऑन कर सकते हो अपनी, जो कि आपको LED के अंदर दे रखी है। बाकी इस साइड आपको हॉर्न मिल जाएगा, डबल साइड यहाँ पे भी दो हॉर्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आपके हाई बीम लो बीम का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको दे रखा है टर्न इंडिकेटर्स, जो कि आपको LED के अंदर ही शो करेंगे यहाँ पे, और आपको टर्न इंडिकेटर्स में दिखाया था फ्रंट में, तो इस तरीके से आपका जो है शो करेंगे आपको टर्न इंडिकेटर्स। बाकी यहाँ पे आपके मिरर्स लगेंगे, जो आप अपने स्कूटर वगैरह लेते हो
ठीक है। बाकी आगे में भी आपको यहाँ पे स्पेसिंग मिल जाएगी देखने को इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फ़ोन वगैरह इजीली आप कैरी कर सकते हो और कुछ भी अपना सामान वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो इजीली। बाकी जो भी आप इसके स्कूटी के आउटर गार्ड्स जो आप देख रहे हैं, जितने भी यहाँ पे प्रोटेक्शन वगैरह जो आपके लगे हुए हैं, या आप जब स्कूटी परचेस करोगे तो ये आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका आपको कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है। आप जितने भी स्कूटी देखेंगे सबके अंदर ये फिट हो रखा है ऑलरेडी, ईजिली आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी स्कूटी के अंदर भाई आपको 1200 वाट का बुश का मोटर आता है, ठीक है। आपको इसके अंदर जो माइलेज की बात करोगे तो 70-85 KMPL की आपको ये माइलेज देती है। 1.5 घंटा अगर आप स्कूटी को फास्ट चार्जिंग में अगर आप चार्ज करते हो तो आपको 1.5 घंटे में फुल जो आपकी स्कूटी वो चार्ज हो जाती है और लगभग 1.2 यूनिट आपके जो है कंज्यूम करती है चार्ज होने में। बाकी अगर आप इसके ऑन रोड प्राइस की बात करते हो तो ये आपको 1,07,800 रुपये की आपको ये ऑन रोड पड़ जाती है। बाकी आपको जहाँ से स्कूटी है मिल जाएगी उसका भाई आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एड्रेस वगैरह सब कुछ A to Z सब चीज़ मिल जाएगी। आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो इसके बारे में और इसके बारे में भी, ठीक है भाई। दोनों स्कूटी के बारे में आप पूछ सकते हो इजीली। बाकी आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।